नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते बाल्टीमोर जाएंगे, ब्रिज ढहने की घटना का लेंगे जायजा। मुख्तार अंसारी के गांव पहुंचा शव, आज सुबह की नमाज के बाद दफनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर। उत्तराखंड के देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना। यूपी के देवरिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की हुई मौत। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, 2 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। तमिल अभिनेता डेनियल बालाजी का दिल का दौरा पड़ने से 48 साल की उम्र में हुआ निधन। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, बेटे रामनाथ ठाकुर सम्मान ग्रहण करेंगे। दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 2 बीम गिरे, गंगा नदी पर बन रहा है पुल। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवीएन 24।